डिस्ट्रक्शन है, प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर, ये रिपोर्ट पर से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, सीमेन वॉल्यूम, स्पर्म वॉल्यूम नॉर्मली ढाई से 6.5 ml था। इफ लो वॉल्यूम में इंडिकेट पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द सेमिनल वेसिका। वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है मींस क्या है कि उधर कहीं ना कहीं वास्ट डिफरेंस में या फिर वहां ब्लॉकेज रहेगा, सिस्ट रहती है सम टाइम, तो उसकी वजह से एजोस्पर्म नहीं आएगा, स्पर्म वॉल्यूम ही नहीं आएगा। फ्रुक्टोस्टेज इज अ एब्सेंस, नॉर्मली पॉजिटिव आता है, अगर एब्सेंट है तो इंडिकेटर प्रॉब्लम विद द सेमिनल सेमिनल वेसिकल में। ठीक है, ये रिपोर्ट आपको बहुत जानना जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से आप डायग्नोस कर पाएंगे। पीएच, अगर द पीएच ऑफ द सैंपल इज मेजर एज वेल, गुड स्पर्म शुड बी स्लाइटली अल्कलाइन रहता है विद नॉर्मल रेंज 7.2 से 7.8 पीएच। अगर एसिडिक पीएच तो उसमें क्या रहेगा कि उसकी वन और बोथ सेमिनल वेसिकल आर ब्लॉकेड। ठीक है, एसिडिक पीएच है तो उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज रहेगा, अगर बेसिक है तो कहीं ना कहीं उसमें इन्फेक्शन रहेगा। नॉर्मली रेंज होनी चाहिए पीएच की 7.2 से 7.8 तक। अदर डेटा इज अ समथिंग मेजर सच एज अ लिक्विफिकेशन, उसकी जो प्रोटीन है उसमें वो सेमिनल वेसिकल से ब्लॉकअप बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से वो लिक्विफाइड बराबर होगा सीमेन। मोटिलिटी, टोटल मोटाइल स्पर्मेटोजुआ, कंबाइन ऑफ स्पर्म काउंट, मोटाइल एंड वॉल्यूम मेजरिंग हाउ मेनी मिलियंस सेल इन द एंटायर एजुकुलेशन आर मोटाइल, डब्ल्यूबीसी पायोस्पर्मिया। ठीक है, स्पर्म एंटीबॉडीज, सेकंड टॉपिक। I have seen many cases of sperm antibody. क्या होता है sperm antibody में? Sperm antibody happens in some men when the immune system react to the man's own sperm as if it were foreign body. ठीक है, अपना ही sperm वो मार डालता है। ठीक है, कैसे? इसकी वजह से क्या होता है, जो sperm का number count है वो कम आएगा, reducing the number of sperm in the semen. Either coating the sperm or the making some sperm clump together, तो एक दूसरे के साथ clump हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, वो tap हो जाएगा, और उसकी वजह से stop the sperm from swimming, वो बराबर swim नहीं कर पाएगा। Antibody, कहीं ना कहीं अपना ही अपने sperm को मार डालता है। Sperm antibody does not usually affect men's general healthy and they are not usually any sign. ये आपको कोई साइन एंड सिग्नल नहीं मिलेगा आपको फिजिकली। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट से ये पता चलेगा, स्पर्म एंटीबॉडी आर फाउंड इन द अबाउट 1 इन एवरी 16 इनफर्टाइल मेन। स्पर्म एग्लूटिनेशन, इन रिपोर्ट्स में ये दिखाई देता है कि स्पर्म स्टक टुगेदर, स्पर्म कैन स्टिक टुगेदर इन द हेड आइदर टेल और हेड टू टेल। ठीक है, एंटी स्पर्म एंटीबॉडी एएसए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है IgG, IgA और IgM। ठीक है, इज अ एंटीस्पर्म एंटीबॉडी। केस ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ड्यू टू ऑटो एग्लूटिनेशन ऑफ स्पर्म पॉजिटिव, ये टू ऑटो एग्लूटिनेशन एंटी ANS। ठीक है, रिपोर्ट्स ऑटो एग्लूटिनेशन प्रेजेंट, ये रिपोर्ट में आपको पता चलेगा, सम स्पर्म काउंट नॉर्मल आते हैं, मोटिलिटी भी बराबर है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, लेकिन इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रहती क्योंकि जो स्पर्म है वो उसके हेड या फिर बॉडी या फिर हेड टेल वो ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, आइदर अपना ही स्पर्म डेथ हो जाता है, इसकी वजह से वो प्रेगनेंसी नहीं रहती है। जोनेश भाई 29 ईयर मेल, मैरिज लाइफ 3 ईयर, ऑक्यूपेशन एक्सिस बैंक मैनेजर, डायग्नोसिस केस ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ड्यू टू ऑटो एग्लूटिनेशन ऑफ स्पर्म पॉजिटिव। उसको पहले प्रेगनेंसी रहा था लेकिन वाइफ की PCOD और टॉर्च पॉजिटिव था, इसकी वजह से उसको मिसकैरेज हो गया, बाद में हस्बैंड की प्रेगनेंसी नहीं रहती। ठीक है, क्रॉनिक हेडेक था उसको 9 से 10 ईयर। बहुत कंप्लेन में क्या था कि बहुत और अल्टरनेट साइड ऑफ फ्रंट और टेम्पोरल हेडेक 2-3 टाइम पर वीक, और एक वीक में ये दो बहुत ही सर दर्द रहता था, सर में जैसे नसें फूल रही है ऐसा दर्द करता था, और गैस, हेवीनेस ऑफ एब्डोमेन, कॉन्स्टिपेशन,
एक रात में फर्मेंटेड फूड स्पेशली पिकल्स, पास हिस्ट्री में उसको जॉन्डिस 6 साल पहले आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट 5 ईयर अगो किया था। पास हिस्ट्री नॉट स्पेसिफिक, थर्मल चिली थर्स्टी डिजायर स्पाइसी वार्म फूड एवर्जन नॉट स्पेसिफिक एपेटाइट उसको भूख सहन ही नहीं होती, रेस्पिरेशन कम, स्लीप स्टार्टलिंग स्लीप ड्यूरिंग और समटाइम टॉक स्लीप ड्यूरिंग। उसके ड्रीम्स में ऐसा था कि ब्लैक एनाकोंडा जैसा बड़ा सांप मेरे पीछे आ रहा है और मुझे डंप दे रहा है। ठीक है, लाइफ स्पेस चाइल्डहुड, टू ब्रदर वन सिस्टर, ही वाज अ यंगेस्ट इन फैमिली, ही लाइक स्टडी, ही वाज अ वेरी रैंकर इन द स्टडी, ऑलवेज टॉप 5 में, उसको पढ़ाई लिखना बहुत अच्छा लगता था। 1 to 12 स्टैंडर्ड स्टडी इन द विलेज, देन बीबीए कॉलेज इन भावनगर एंड एमबीए कंप्लीटली इन बड़ौदा, then started job in Axis Bank. Nature, he says angry nature, कोई मुझे ऊंची आवाज में बोले किसी बात पर, मुझे गलत तरीके से ब्लेम करे के और को मुझ पे और कोई मुझ पे कमेंट करे तो गुस्सा आ जाता है और मैं उसे बोल देता हूँ, वो क्या है कि उसको बैंक में काम कराए, ठीक है, तो बॉस कभी भी मेरी गलती नहीं हो और अपने को डांट दे और सबके सामने ब्लेम देता है, बोल देता है तो बहुत ही गुस्सा आता है, सबके सामने बोल दे तो ऐसा लगता है कि अपनी इज्जत ही निकाल दी, बॉस के सामने नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि दूसरे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये सोच के नहीं बोल पाता हूँ। ठीक है, देखो ऑटो इम्यूनिटी है, ऑटो एग्लूटिनेशन मीन्स ऑटो इम्यूनिटी, तो कहीं ना कहीं खुद पे आता है, ठीक है, ये फाइंड आउट करने का है। ऑटोइम्यूनेशन केस में सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं पास हिस्ट्री में इसमें अप्रोच है जीसीएस, ठीक है, ऑटोइम्यूनिटी का पीसीएस अप्रोच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसी कोई घटना हुई है जिसकी वजह से उसको ये इम्यूनिटी अगेंस्ट हो गई है। ठीक है, तो बैंक में कोई कस्टमर, ये बहुत गुस्से वाला है, हाईली एस्टीम पर्सन है, कोई कस्टमर बैंक में कोई कस्टमर या फिर स्टाफ मुझे तू ता करके बोले तो ये काम करते तो गुस्सा आ जाता है और उस सबको मैं मुंह पे ही बोल देता हूँ कि तू ता करके बात नहीं करने का मेरे से। ठीक है, अपने को लगता है कि बैंक में मैनेजर होते हुए भी अपनी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, ये उसकी नीड है, जब कोई अपनी वैल्यू नहीं करता है मैं वहां से जॉब छोड़ देता हूँ, जहां अपनी कोई वैल्यू ही नहीं है वहां रहने का मतलब ही नहीं है। फिजिकल सेंसिटिविटी, can't tolerate tight clothing around neck, I can't bear tight, will be, क्योंकि वो सबके सामने बोलता है उसके जो नीचे है उसे कस्टमर या फिर लेकिन बॉस के सामने नहीं बोल पाता है। will be intellect good, memory good, speed fast, moral good और सोरा self esteem, highly esteem। rubrics, anyone, situation, humiliation, self deprecation, लेकिन ये auto agglutination नहीं, हाँ सही है, humiliation और self deprecation, ये कहाँ ऐसा हुआ, ये जो situation हुई उसमें कहाँ ऐसा लगता है आपको, ये पूरी situation में कहा ऐसा लगा कि अपनी की वैल्यू नहीं है, उसकी नीड भी ऐसा है। ह्यूमिलिएशन सही है, और रॉन्ग सफर परफेक्ट डिसीजन, रॉन्ग सफर क्यों, क्योंकि वो अपनी कोई वैल्यू इज्जत ही नहीं है। ठीक है, वो सही तरीके से कर रहा है लेकिन सब उसको डांट देते हैं, बॉस भी उसे डांट देते हैं, इतना काम करता है फिर भी, कस्टमर भी इतना अच्छा काम करता है फिर भी वो कस्टमर भी बोल देता है। ठीक है, ह्यूमिलिएशन ये इसमें आ जाएगा। चिली एस्टीम, गुड मॉरल, मेडिसिन चिली एस्टीम और गुड मॉरल, बेसिलिनम चाइना आयोस लेकेसिन लाइसिन नाजा 200 सिंगल डोज, आप आया था ना बड़ा वाला,
फॉलो अप में एक भी बार हेडेक नहीं हुआ, वीक में दो तीन बार होता था, जनरल सब बेटर, 9 से 10 साल तक था वो, और 28.5 अभी फॉलो अप में, उसकी वाइफ की प्रेगनेंसी, बहुत इसका ये इनफर्टिलिटी में क्या रहता है कि मेल और फीमेल दोनों को रहता है प्रॉब्लम। इसकी वाइफ को पीसीओडी और चॉकलेट सीस्ट था, उसको मैंने ट्रोकस सटाइवा दिया था, उसको भी क्लियर हो गया यूएसजी में सब कुछ, लेकिन अभी फीमेल इनफर्टिलिटी नहीं, इसलिए उसका केस नहीं रखा है, ठीक है, लेकिन फॉलोअप में है। उसको हेडेक था, तो हेड प्रॉब्लम भी था, ठीक है। आई आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन, वेयर इज योर अथॉरिटी, बॉस या फिर उसके फादर, या कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है। अनदर केस, प्राइमरी इनफर्टिलिटी ड्यू टू ऑटो एग्लूटिनेशन ऑफ स्पर्म पॉजिटिव। आपको ऑटो एग्लूटिनेशन अच्छा हो जाना चाहिए, अभी कभी भी आए तो क्लिनिक में, ठीक है। हिरण भाई, उसका भी ऑटो एग्लूटिनेशन प्रेजेंट था, ठीक है, उसके भी स्पर्म काउंट नॉर्मल थे, 180 मिलियन स्पर्म काउंट थे, लेकिन ऑटो एग्लूटिनेशन था, उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी। हिरण भाई 27 ईयर मैरिज, 5 ईयर मैरिज, वाइफ 5 ईयर, डायग्नोसिस प्राइमरी इनफर्टिलिटी ड्यू टू ऑटो एग्लूटिनेशन ऑफ स्पर्म पॉजिटिव। कंप्लेन में उसको कॉन्स्टिपेशन था 4 साल से, हेवीनेस ऑफ एब्डोमेन, अल्सर इन टर्न, स्टोमेटाइटिस, यूरिन बर्निंग, मैच्योरेशन आफ्टर कोइशन, सम इंफेक्शन रहता है तब वो बर्निंग, फाइंड आउट वेदर इज अ फीमेल पार्ट वेदर मेल पार्ट। पास हिस्ट्री में उसको हेड इंजरी हुआ था, एक्सीडेंट विद ऑटो रिक्शा, एपिस्टेक्सिस इन चाइल्डहुड और फाइमोसिस सर्कमसीजन डन इन चाइल्डहुड, रेड किया है, उसका कोई वजह है बताता हूँ। पास हिस्ट्री में, पास हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री में नॉट स्पेसिफिक, और थर्सलेस डिजायर नॉट स्पेसिफिक, एवर्जन बिटर थिंग्स, स्टूल कॉन्स्टिपेशन, यूरिन बर्निंग, मैच्योरेशन आफ्टर कोएशन, परस्पिरेशन स्कैंटी, एपेटाइट नॉर्मल, स्लीप नॉर्मल, ड्रीम्स नॉर्मल। लाइफ स्पेस, चाइल्डहुड टू सिबलिंग, ही वॉज यंगर इन फैमिली, फर्स्ट टू सिक्स स्टैंडर्ड ही वॉज रैंकर, हमारे सब रैंकर्स डिवीजन बहुत आते, 10 स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम ही गॉट 75% डिवीजन, ही लाइक स्टडी, ही फ्यूचर स्टडी डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियर, फाइनल ईयर ही लेफ्ट आउट बिकॉज डिफिकल्टी इन लर्निंग ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, उसकी वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, एग्जाम्पल जावा वो आती है, दैट्स व्हाई ही फेल इन एग्जाम एंड देन ही फील दैट ही कुडंट कंप्लीट हिज स्टडी, then he joined jewelry business for 5 years learning and job work। nature, बचपन में मैं बहुत शांत, बहुत शर्माता था, example लड़की के साथ बातें करने में शर्म आती थी, इसलिए ऐसा कोई social function हो तो भी मैं
अवॉइड करता था। स्कूल और कॉलेज में सब लड़के ही दोस्त थे, बाद में बिजनेस में आके ये ज्वेलरी बिजनेस में सबको बताने में लड़कियों के साथ काम करने के साथ वो शर्म धीमे धीमे कम हुई। पढ़ाई के साथ साथ मैं जॉब वर्क भी कर लेता था, मुझे अच्छा लगता था, काम करना अच्छा लगता था, पढ़ाई भी, इवन इवेंट मैनेजमेंट में सबसे आगे रहता था। लेकिन गुस्से वाला नेचर है, बिजनेस में लॉस होता है तो गुस्सा आता है, वो बॉस हो या वर्कर उनको बोल देता हो, ठीक है। अपने से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, अपनी वजह से कंपनी की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं बचपन से ही, ठीक है, कि कुछ भी काम हो, अगर उसने एग्जांपल दिया था कि उसका जो कारीगर है वो ये कोविड की वजह से वो चला गया, इसकी वजह से उसका बिजनेस सब बंद हो गया, तो उसने उसको पैसे खुद के दिए और उसको इधर बुलाया और उसको काम करवाने के लिए शुरू किया। समाज और सोसाइटी में अपनी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। टाइम टू टाइम वर्क, फास्टिडियस हॉबीज, ट्रैवलिंग, मूवी एंड क्रिकेट, विल वीक, टिमिड, इंटेलेक्ट गुड, मेमोरी गुड, स्पीड फास्ट, मॉरल गुड, सोरा, एस्टीम और सोशल इमेज, ये जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्रॉनिक डिजीज में ये सब लेने का है। अगर विल वीक है तो उधर से ही मेडिसिन आपकी निकल जाएगी, फास्ट है तो ब्राइडा, क्रिकेटिया, ये सब रूल आउट हो जाएगी, ठीक है। रूब्रिक्स जो सिचुएशन थी, रिप्रोचेस हिमसेल्फ, अपनी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। एंजाइटी कंसाइंस, बट इज सॉरी, बट मेडिसिन में डिफरेंशिएशन माटे काम आवश्यक है। सोशल पोजीशन परफेक्ट, और एक रूब्रिक है, बहुत ही सिफिलिटिक रूब्रिक है, हिस्ट्री में है, उसकी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक। एससीपीएच में डॉक्टर विजयकर सर ने बताया था कि जो किसी को मेल में अगर फाइमोसिस रहता है जो, तो क्या रहता है कि वो बचपन से ही शर्मिला है, क्योंकि उसका जो बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो स्किन है ना, तो ये अपने को बता रहा है, ठीक है। और बचपन से उसका नेचर ऐसा है, शर्मिला था, बेशफुल, टिमिड और सिफिलिटिक रूब्रिक, दिस इज अ, वो कम हुआ साइकोटिक की वजह से, इसलिए उसका रूब्रिक एम्बरेसमेंट जनरल और सोशल पोजीशन कंसर्न अबाउ, ठीक है, बहुत इजी है ना, और डिलीजन कंसाइज एस्टीम मेडिसिन सिंगल आई व्यू सल्फर 14/10/2020 में दिया था। फॉलोअप में अभी एक ही महीने 30 बार रिलीज को दिसंबर में रिलीज करा दिया। इसकी वाइफ को भी किसी और का उसको फॉस्फोरस दिया है, ठीक है। थर्ड केस, प्राइमरी इनफर्टिलिटी ड्यू टू ऑटो एग्लूटिनेशन ऑफ स्पर्म पॉजिटिव विद क्रॉनिक डायरिया। क्रॉनिक डायरिया में अपने सर ने अभी लेक्चर में एक मेडिसिन दी, एपिस मेलिफिका, डिलीरियम, ठीक है, नहीं वो नहीं। पंकज भाई 29 year male, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। मैरिज लाइफ 6 year, डायग्नोसिस प्राइमरी इनफर्टिलिटी ड्यू टू ऑटोएग्लूटिनेशन स्पर्म पॉजिटिव और क्रॉनिक डायरिया सिंस 4 year, इज रिफर्ड बाय वन होम्योपैथी डॉक्टर
और उसने आर्जेंटम और वो आर्सेनिक सब जो एंजाइटी आता है वो डायरिया में सब दी थी लेकिन नहीं हुआ था. कंप्लेन में डायरिया सिंस 4 ईयर यूएससी नॉर्मल है उसकी. वाटरी डायरिया 6 to 7 टाइम पासिंग स्टूल वाटरी पर डे. वो बोलता था कि साहब पूरे दिन मैं उसमें ही निकल रहा हूँ, कुछ अच्छी दवाई दो कि मैं बाहर आऊँ. पास हिस्ट्री में उसको डेंगू 7 ईयर हो. एलर्जी राइनाइटिस सिंस चाइल्डहुड. लेफ्ट पटेला फ्रैक्चर फॉलिंग इन चाइल्डहुड. पास हिस्ट्री फादर हाइपरटेंशन फैमिली हिस्ट्री. थर्स्ट थर्मल थर्स्ट चिली थर्स्टलेस डिजायर सॉल्टी थिंग्स एवर्जन बिटर थिंग्स स्टूल वाटरी डायरिया 6 to 7 टाइम पासिंग स्टूल पर डे. यूरिन नॉर्मल रेस्पिरेशन नॉर्मल एपेटाइट हंगर इंटॉलरेबल स्लीप स्टार्टलिंग स्लीप ड्यूरिंग ड्रीम्स नॉट स्पेसिफिक. लाइफ स्पेस चाइल्डहुड टू ब्रदर वन सिस्टर ही वाज यंगेस्ट इन फैमिली एट स्टैंडर्ड स्टडी ही डजंट लाइक स्टडी. मैं बुक्स के पन्ने फाड़ देता था. मैं अपना होमवर्क भी दूसरी लड़कियों के दे देता था. पैसा दे के उसके पास करवाता था. नॉन डिलीजेंट उसको पढ़ाई लिखाई सब अच्छा ही नहीं लगता था. मुझे स्टडी करना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था. मुझे मशीनों में बहुत इंटरेस्ट था. मशीनों से प्यार था. वो 3 टियर वाला नहीं है जेब में स्क्रू ड्राइवर लेके रखते. वैसे ही ये क्या कि सब मशीन में बचपन से बहुत ही इंटरेस्टेड था. जो भी देखा उसको खोल देता था. कोई भी मशीन हो उसको खोल के देखता था. बस देखता था और नई चीजें जानने का बहुत शौक था उसको. स्कूल का उसमें सबको हंसाता था और कोई मुझे डांट दे फिर भी मैं उसे हंसाता था और मैं भी हंसता था साथ में. ठीक है कोई उसको कमेंट करे तो वो भी खुद हंस लेता था. वेरी मिस्टीरियस. स्कूल में सभी लड़के लड़कियों के मैं ही सेटिंग करवाता था सर. स्कूल में मेरी इमेज भाई जैसी थी. लड़ाई झगड़ा करना ठीक है मारपीट करना बहुत करता था. सबको हैरान परेशान करता था. ठीक है एट स्टैंडर्ड में स्कूल क्लास में मैं लास्ट बेंच पर बैठ के मस्ती करता था तो टीचर ने एक बोर्ड डस्टर छुट्टा मेरे पे घा करके मुझे मारा. तो मुझे गुस्सा आया तो मैंने बोला तो बाहर में तेरे को बताता हूँ टीचर का. तो वो बोला कि मैंने पूछा कि कुछ किया बाद में तुमने कुछ बाहर मिलके कुछ किया कि नहीं साहब वो तो सिर्फ बोलने का है. ठीक है वो तो उसको डराने के लिए किया. ठीक है लेकिन थ्रेटनिंग लेकिन एंग्री भी है. ठीक है कभी कभी ऐसा मारपीट भी कर लेता हूँ. बुरा लगता है कि जब किसी की मस्ती करते हुए किसी को लग जाए तो फिर मैं उसको सॉरी बोल देता हूँ. साइकोसिस एंग्री नेचर. बिजनेस में मेरे भाई को जैसा बोला हो ऐसा नहीं करे तो भी गुस्सा आ जाता है और अपने बीवी को बोला हो कि ऐसा खाना बनाओ ऐसा बनाओ नहीं बना रहा है तो बहुत गुस्सा आ जाता है. इस इंसिडेंट मैंने बोला कि 4 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि डायरिया क्रॉनिक डायरिया क्यों. ये फिजियोलॉजिकल है ना लेकिन अभी क्रॉनिक हो गया. ठीक है लेकिन क्यों हो रहा है. रिपोर्ट सर नॉर्मल है. ठीक है तो 4 साल पहले उसने बताया कि उसके फादर बिजनेस में उनके पार्टनर से 20 करोड़ रुपए लेके फरार हो गए. अभी तक वो घर नहीं आए हैं. तब पुलिस वाले घर आके मुझे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए. मुझ पे केस कर दिया और बोले कि तुम बाप बेटे मिले हुए हो. और मुझे एक दिन के लिए पुलिस स्टेशन रखा. मुझे बहुत डर लगता था कि मुझे जेल नहीं हो जाए. मुझे कुछ पता भी नहीं था और ये सब लोग मुझे ले गए ये सब पूछताछ कर रहे. ठीक है बाद में दूसरे दिन मेरे भाई आके मुझे छोड़ा ले गए. तब से पुलिस वालों से बहुत डर लगता है कि पुलिस वाले की कार भी घर पे आती है कभी भी पूछताछ नहीं तो डर लगता है कि फिर से मुझे लेना जाए. ठीक है व्हेनेवर जब सम फियर. ठीक है तो ये क्रॉनिक डायरिया तब से शुरू हुआ. तब तक पहले तो सब ठीक ही था. विल वीक टाइमिंग इंटेलेक्ट गुड मेमोरी गुड स्पीड फास्ट इंपेशेंट मोरल ऑब्वियसली लेट सोरा एस्टीम रूब्रिक्स. दिस वाज सिचुएशन. उसका जेनेटिक्स जीसीएस देना है कहीं से भी आपको रूब्रिक मिल जाएगा ये हिस्ट्री में से. मॉरल वांट ऑफ नहीं बट उसको मार देता है फिर भी उसे सॉरी बोल देता है. सॉरी बोल देता है. मिस्टीरियस मिस्टीरियस
fear of being arrested. Fear of being arrested. Right. Or fear of being arrested. Right. I was rubric taken. Usko ye diarrhea idhar se shuru hua. To कहीं ना कहीं उसको डर ले है ना, अभी वो क्रॉनिक हो गया है, ठीक है? तो आए हैं वो, उसे क्या डर लगता है हर बार कहीं भी पुलिस आके ले ना जाए, ठीक है? I have taken delusion pursued by his police for inquisitive लिया है, क्यों लिया है? क्योंकि inquisitive is a civility. सर बोलते हैं कि कोई आप नई चीजें अगर आपके evolution के लिए कर रहे हैं तो this is inquisitive, sorry inquisitive. लेकिन बिना वजह ही हम सब खोल खाल के वो जानने का, सभी जानने का किसी को रहता है, दिस इंक्विजिटिव एज अ सिफिलिटिक इंक्विजिटिव, ठीक है? अगर आप कुछ गेन करने के लिए जान रहे हैं तो वो सोरा है, आपकी नीड है. अगर हम पढ़ाई के लिए ये सब लर्निंग कर रहे हैं तो ये अपनी आप सबको जानने की उत्सुकता है, तो दिस इज इंक्विजिटिव एज अ सोरिक इंक्विजिटिव. लेकिन उसको कुछ करना नहीं है, फिर भी सब खोल खाल खोल देना है, जानने का बहुत शौक है. This is why I have taken inquisitive and delusion pursued is a police and mischievous. So I have Alzheimer's 200 single dose given. Follows diarrhea better जो 6-7 time हो रहा था वो 3-4 time पर हो गया, but अभी भी वो water ही आ रहा है, ठीक है? But I give SL. Then follow 31 बार December को उसको डायरिया एज इट इज था और 3-4 टाइम आ रहा था और स्टिल अभी भी वाटर ही आ रहा है. तो आप करते हैं ना पोटेंसी आयर देते हैं एक बार, ठीक है? वर्क कर रही है तो Alzheimer's CM का एक डोज दिया, डायरिया बेटर हुआ 2-3 टाइम हुआ, लेकिन अभी भी वो वाटर ही आ रहा है. वो बोल रहा है कि हर बार स्टूल ऐसा ही आ रहा है, नॉर्मल ही नहीं आ रहा है, ठीक है? ये भी मैंने एक बार SL दी 7-4-21 को, डायरिया एज इट इज 3-4 टाइम फिर से वो हो गया, स्टिल वाटरी. और मैंने उसका रिपोर्ट कराया ऑटो इल्यूमिनेशन का, फिर से वो अभी भी पॉजिटिव आ रहा है. मींस माय मेडिसिन इज नॉट वर्क, नॉट राइट, सम पार्शियली दिस डायरिया बेटर है, बट देन अगेन दिस वाज रिपोर्ट 4 अप्रैल को कराया, फिर भी ऑटो इल्यूमिनेशन अभी प्रेजेंट ही आ रहा है, ठीक है? फिर मैंने रिकेस्टेकिंग कहा हो, ये जो हो रहा है ना कि ऑटो इम्यूनिटी मीन्स कहीं ना कहीं वो आता है, ठीक है? तो आई वो बोला कि अभी मैं बिजनेस में कंपनी में काम कर रहा हूँ कि वहाँ ऐसा रूल है कि किसी को गाली नहीं बोलने का, और मेरे को छोटी छोटी बात पे किसी को बोला जाती है, तो मैंने मैनेजर को गाली दे दी. बाद में मुझे अफसोस हुआ कि मैंने अफसोस होता है, ठीक है? फिर मैं सॉरी बोल दिया, तब खुद पे गुस्सा आता है कि मैंने ऐसा किया, मेरी वजह से मैंने एक तो गाली भी दे दी और फिर उसको सॉरी भी बोला, उसकी वजह से मुझे खुद पे गुस्सा आता है, ठीक है? सो रूब्रिक्स रिप्रोचेस हिमसेल्फ और इंक्विजिटिव एज इट इज, ठीक है? चिली हॉटी एंग्री एंड नॉन डिलीजन. अभी नॉन डिलीजन में बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन अच्छा कम्प्लीटली नहीं हुआ. फॉलो अप में अभी 4-6 को आए, एक भी बार नो वॉटर स्टूल, कम्प्लीट स्टूल आने लगा, दिन में 1-2 बार जा रहा है, ठीक है? और उसका ऑटो एग्लूटिनेशन नॉर्मल एब्सेंट, ठीक है? अभी उसकी वाइफ का पीसीओडी है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इस वजह से प्रेगनेंसी का रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उसका फॉलोअप का वीडियो very angry man. Yes, my life that was generous. Yes, my baby. Yes, my party show the normal. Normally, tomorrow, but don't mean that. Good. I was the day.
मतलब माता का नोट रख मैं कर मैं भाई का तो जब नोट ये हाँ यश मंदिर का हम सब पांच साल सुबह साल बाद आते हैं नॉर्मल विशेष रूप से बोलते हैं जो बैंक में से मार सुबह में तो मैं कहना चाहता हूँ अच्छा मुझे अगर क्यों लगे मुझे सीधे मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि ऐसा नहीं होता क्लियर है ऑटो एग्लूटिनेशन क्या उसमें ढूंढने का है बचपन से लेके अभी तक कहां उसकी सिचुएशन में वो ऑटो इम्यून जैसा प्रोसेस आता है कहां खुद पे ब्लेम करता है कौन सी सिचुएशन है ठीक है वो हेल्पलेस रहता है या फिर कुछ भी और उसका जीसीएसी देना है एंडोक्राइन कॉजेस टेस्टोस्टेरोन एंड पिट्यूटरी हार्मोन एफएसएस एलएस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डेफिशिएंसी अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन थायराइड हार्मोन हाइपोथैलेमिक डेफिशिएंसी पिट्यूटरी ग्लैंड फेलर हाइपोपिट्यूटरीज्म इडियोपैथिक कार्लन सिंड्रोम आइसोलेटेड हाइपोगोनाड्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म ड्रग्स टॉक्सिंस इडियोपैथिक मीन्स एंडोक्राइन के रिलेटेड अगर FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन दो तीनों लो रहता है तो क्या कॉज होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट प्रॉपर वर्क पुअर फंक्शनिंग है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग और FSH का और उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन की वो भी लो रहेगा उसकी वजह से इनफर्टिलिटी रहेगी अगर FSH और LH राइज है और टेस्टोस्टेरोन लो है फिर है, तो वहां कहीं ना कहीं टेस्टिस में प्रॉब्लम रहेगा FSH हाई है ये दोनों नॉर्मल है तो मेल इनफर्टिलिटी में द टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल लीडिंग सेल जो स्ट्रक्चर में उधर स्पर्मेटोगोन या प्रोसेस में वहां लीडिंग सेल में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है ठीक है मैच्योर नहीं हो रहा है स्पर्म तीनों नॉर्मल है तो आइदर पॉसिबल ऑफ सम ब्लॉकेज इन स्पर्मेटिक कॉर्ड या फिर वास डेफेक्ट एग्नस कैक्टस In synoptic, this is called monk's paper. Sadhu Nimari.
ground seed were used in the medieval monster as a condiment of the suppressed libido. इसकी वजह से जो sexual desire है वो completely suppressed होता है. इसकी वजह से साधु लोग ये पहले के जमाने में ये use करते थे इसके seed. ठीक है. Agnus means no means gonads. ठीक है. No gonads. सिनोप्टिक में लिखा हुआ है प्रमोट्स डाइजेशन एंड मेंस्ट्रुएशन एज अ स्लीप इंड्यूसिंग इफेक्ट एनाफोर्टिक एक्सटेंसिव टेस्ट हैव शोज इन द प्लांट पर्टिकुलरली द सीड्स कंटेन हार्मोन सीड हार्मोन लाइक सब्सटेंस दैट स्टिम्युलेट द फॉर्मेशन ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इट्स कंट्रोल द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन In clinical investigation, have a confirmed a marked increase of milk secretion or prolactin se hota hai. Agar patient mein luteinizing hormone endocrine ke related hai, theek hai. Aur aapko reports mein FSH LH ke report mein LH low aata hai. Give sometime it regulates the LH hormone. In its lower sexual vitality with corresponding mental depression and loss of nervous energy. History of repeated gonorrhea, prolactin can डिक्रीज अगर हायर प्रोलैक्टिन रहेगा तो उसकी वजह से डिक्रीज द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेन सो इट इज अ रिस्पांसिबल फॉर इम्पोटेंस एंड लॉस ऑफ लिबिडो सेक्सुअल मेलंकोली एलिमेंट ऑफ सेक्सुअल एक्सेसिव एंड मास्टरबेशन इन ओल्ड मेन हु हैव हैविंग स्पेंट देयर यूथ इन अर्ली मैनहुड इन द प्रैक्टिस ऑफ द एक्सेसिव वेनरी पहले यंग एज में बहुत ही सेक्सुअल लाइफ अच्छी रही सर लेकिन अभी ओल्ड एज में देयर सेक्सुअल पैशन एट 60 एट 18 और 20 एंड दे आर फिजिकली नाउ इम्पोर्टेंट फेरिंगटन वेरिफाइड लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर इन पर्सन ऑफ प्रीवियसली एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी पहले बहुत ही अच्छी थी लेकिन अभी नहीं उसके रूपली इरेक्शन इनकम्प्लीट विदाउट डिजायर वीकनेस सिंगल Erection pain is called small. Erection wanting after gonorrhea. Some physiological, जहाँ भी FSH LH hormones में deficiency रहता है, small hint of medicine Agnus Cactus by relieving mental depression, it correct the desire and improve the function, functional importance. Anacardium, dual. Personality hai, lacking self-confidence with severe depression associated with impaired memory. Okay. Argentum nitricum, performance anxiety. Okay. Very apprehensive from the first night of marriage, fearful and nervous, and leading to premature ejaculation. Erection fail when poison attempt. Argentum. Calathea, excellent for smoker and tobacco chews. Increase the sperm count rapidly smoker. Conaignet, testicular injury, if hydrocele, varicocele, orchitis, effect of suppressed sexual appetite. Dioscorea, suit very well in the tea drinker. Phosphoric acid, excellently given result in oligoasthenospermia. Increase the motility of sperm, increase the acrosomal activity of the sperm. Motility. Titanium, too early ejaculation. Pipulus, a very good medicine for patient at the 14th century having a partially impotency caused by over indulgence of the advanced aging. Lycopodium provides proved its great value in sexual dysfunction acquired and situational very effective in premature ejaculation. Infection second cause now infection mumps orchitis HIV other viral infection past history mein usko पूछने का कि उसको मॉम्स या ये सब हुआ कि नहीं उसकी वजह से इनफर्टिलिटी रहती है ठीक है उसकी वजह से क्या रहता है कि जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो डैमेज हो जाती है एंड स्टॉप्स फ्रॉम प्रोडक्शन ठीक है ऑल्दो इज इन्फेक्शन इज ऑफ्टन ओनली टेम्पररी सीवियर डैमेज कैन लीव मैन परमानेंटली इनफर्टाइल मॉम्स इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ऑफ द टेस्टिस ठीक है मॉम्स की वजह से पेंक्रियाटिक या गायनेको स्वेलिंग रहेगा ब्रेस्ट में या फिर
मम्स से सप्रेस होके मेनिनजाइटिस होगा, एसएसपी सब स्क्लेरोटिक पान एनकेफेलाइटिस एदर और काइटिस, ठीक है। मम्स उसके रिलेटेड रूब्रिक है, मम्स मेटास्टेसिस मेमेट टू टेस्टिस, ठीक है, वो ब्रेस्ट के जो बताए, टेस्टिस इंफ्लाम मम्स आफ्टर मेल ऑर्गन, टेस्टिस इंफ्लामेशन आफ्टर मम्स, इंफ्लामेशन टेस्टिस ऑर्काइटिस मेटास्टेसिस, पल्सेटिला वेरी गुड मेडिसिन और मेटल्स मर्क्यूरी स्टेफिसेग्रिया, इंफेक्शन इंफ्लामेशन टेस्टिस ऑर्काइटिस इंजरी और स्ट्रेन फ्रॉम रूटा ओनायम आर्निका, इंफ्लामेशन टेस्टिस ऑर्काइटिस सिफिलिटिक ओरम कालियायोर मर्क आयोडर उग्रम, टॉक्सिंस ड्रग रेडिएशन एक्वायर्ड इंफेक्शन टीबी और गोनोरिया, क्रॉनिक एक्सपोजर ऑफ द हेवी मेटल nowadays such as a like lead, cadmium, arsenic may affect sperm production and may cause nil sperm in otherwise healthy men. Trace amount of this metal in semen sometimes show you in semen reports. Inhibit the function of the enzyme contained in the sperm, the membrane that covers the head of the sperm. Overexposure of to radiation and X-ray rapidly. This was affect any rapidly dividing cell. So cell that produce sperm are quite sensitive to radiation damage. Cell exposed to significant level of radiation may take up 2 years to resume normal sperm production. Either bar bar aap X-ray or sonography karwa hai. Such constitution has very sensitive. ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये होता है. Primary testicular failure में जाता है. In severe circumstances may never recover. कई बार तो नहीं हो पाती है. और some number of banned substances like taking anaerobic steroid, sport और gym में करते हैं ना, steroid लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से either weight lifting ज्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि dramatically after both the motility and the health of the spermatozoa damage होता है. और अदर बैंड सब्सटेंस सच एज कोकेन हीरोइंस मारिजुआना इज रिड्यूस द स्पर्म काउंट. पस इन सीमेन मे बी ड्यू टू इंफेक्शन इन टू जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट कॉज सच काइंड ऑफ इंफेक्शन क्लैमिडिया इंफेक्शन बैक्टीरियल डिक्रीज स्पर्म काउंट मोटिलिटी एंड फर्टिलाइज कैपेसिटी ऑफ स्पर्म. Complication of this can be epididymitis and inflammation in the scrotum that may leave the men sterile. Or gonorrhea, gonococcal urethritis is caused by the bacterial Neisseria gonorrhea. Candida balanitis. ये GI में जो infection आता है उसकी वजह से ये होता है. Fungal infection, other chlamydia, trichomonas. Anabids, trichomonas vaginalis, recurrent non-gonococcal urethritis or prolonged urethritis. लंबे समय के लिए UTI रहता है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड रूब्रिक है. म्यूकस एंड पस क्लेंस मेल सेक्सुअल कैनाबिस सटाइवा वेरी गुड मेडिसिन फॉर क्रॉनिक UTI ग्रेफाइटिस लाइकोपोडियम सेपिया. Tuberculosis of testis, TB, abscess of testis, heparcel, mercury, silica, moisture, prepu, जो glands penis के और penis को joint करता है वो prepu, वहाँ पे moisture रहता है purulent, ठीक है, pus जैसा, calcarea, single medicine, adhere to scrotum testis, ठीक है, testis scrotum वो वहाँ adhere हो जाता है, फेविकोल जैसा. सिंगल मेडिसिन टेरेंटुला हाईली सेप्टिक कंडीशन हो टेस्टिस पस आता हो क्यूबेंसिस इंड्यूरेशन टेस्टिस आफ्टर गोनोरिया रोडोडेरा सब्यूरेशन टेस्टिस बार बार इंफेक्शन होता है सब्यूरेशन टेंडेंसी हम कैल्केरिया सब स्किन सब्यूरेशन जैसे टेस्टिस में सब्यूरेशन बार बार वहाँ पस निकलता है सप्रेस. सेक्सुअल हिस्ट्री में क्या है कि जो रिगार्डिंग इधर कंप्लेंट रहता है तो आस्क अबाउट सेक्सुअल हिस्ट्री कहीं ना कहीं पार्टनर से
हाँ प्रॉब्लम रहता है, इधर कोई एक्स्ट्रा मराइटर अफेयर, ठीक है। ट्यूमर टेस्टिस जनरल सिस्ट, टेस्टिस टेस्टिस के अंदर सिस्ट रहता है, दिस इज अ पैथोलॉजिकल रूब्रिक एंड देन ऐड इन द मेंटल पेशेंट पर्टिकुलर क्यूआरएस रूब्रिक एंड गिव योर मेडिसिन। इंड्यूरेशन टेस्टिस एपिडिडिमिस, ये पेशेंट में मैंने दिया था स्पॉन्जिया मेडिसिन दिया था, उसकी दोनों एपिडिडिमिस उसकी रिपोर्ट है। भावेश भाई नोट दिसंबर नवंबर में दिया था उसको, राइट एपिडिडिमिस और लेफ्ट एपिडिडिमिस दोनों में फ्यू स्मॉल 3 to 5 mm सिस्ट आर सीन बोथ एपिडिडिमिस। इसकी वजह से उसको स्पर्म नहीं आ रहे थे, एजोस्पर्म नहीं आती, उसको स्पॉन्जिया दिया था मैंने 5 हिस्ट्री में, उसको रिकरेंट कफ एंड कोल था और पैथोलॉजिकल रूब्रिक था उसके साथ मैच करके 28 जनवरी को उसकी बोथ साइड थी, उसमें से सिर्फ सिंगल सिस्ट रही वो भी राइट साइड में 3 to 2 mm, ठीक है। इसके रिपोर्ट है पहले एजो नो स्पर्म काउंट थे, उसको एक ही डेढ़ मंथ में ही 4 million स्पर्म काउंट आ गया। स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिया इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर टेस्टिस कैंसर। स्ट्रक्चरल कॉज नाउ साइकोसिफिलिटी, दिस इज द कॉज फर्स्ट फिजियोलॉजिकल, वहां फिजियोलॉजी ही थी, सपुरेशन एब्सेस जीनेटिक्स चेंज टू क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, जीनेटिक म्यूटेशन की वजह से, ठीक है, जो स्ट्रक्चर में डिफेक्ट रहता है उसकी वजह से इनफर्टिलिटी, क्लीन फिल्टर वाई क्रोमोसोमल आइदर डाउन सिंड्रोम आइदर कंजेनाइटल बायलैटरल एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस, ठीक है। पर्सन विद द हर्माफ्रोडिटिज्म, इसमें क्या रहता है कि दोनों आता है, ओवरी भी है और टेस्टिस भी है, ठीक है, बोलते ना हम मेल फीमेल और बीच का, बहुत हो रही है टेस्टिकुलर टिश्यू आज इन देयर, तो वहां क्या बोलते हैं कि एरर इन सेक्सुअल डिफरेंशिएशन कॉज सुडो हर्माफ्रोडिटिज्म, बीच वाला। तो वहां रूब्रिक क्या लेंगे, मदर स्टेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कहीं ना कहीं वहां आइडेंटिटी में कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, उसकी वजह से वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हुई है, ठीक है, और इधर एरर आती है, इल्यूजन आइडेंटिटी पर्सनल एरर, ठीक है। डॉक्टर विजयकर सर ये बहुत लेते हैं और हमको ये क्लियर है कि कहां लेना है कहीं नहीं लेना है, कंफ्यूजन आइडेंटिटी एज टू हिज डीपर्सनलाइज, कि जैसा कि अपने मैं हूं कि नहीं हूं, अपना वजूद ही, ठीक है, एग्जिस्टेंस में आइडेंटिटी पर्सनलाइज, अपनी कोई है ही नहीं, आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, तो टेस्टिस भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा, कुछ कंप्लीटली एब्सेंट है, ठीक है, तो ये रूब्रिक लेने, कुछ भी नहीं है तो डेवलप ही नहीं हुआ है, समटाइम कंफ्यूजन आइडेंटिटी एज टू हिज हेड बिलोंग्स टू अनदर, समटाइम्स किसी का जो क्रोमोसोमल रहता है वो हेड इधर आ जाता है और टेल इधर आ जाता है, हेड बिलोंग्स टू अनदर, हेड बिलोंग्स टू अनदर और हेड सेपरेट फ्रॉम अनदर बॉडी। वेरिकोसिल, स्वेलिंग ऑफ द वेन अबव द टेस्टिस, वेरिकोसिल फर्स्ट अपीयर एट द प्यूबर्टी एंड कैन समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट। मेन विद द वेरिकोसिल ऑफ्टन हैव अ लोअर देन एवरेज नंबर ऑफ स्पर्म, पुअर स्पर्म वुमेन एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एबनॉर्मल शेप स्पर्म, ठीक है। सम मेन विद द वेरिकोसिल हैव अ नॉर्मल स्पर्म काउंट एंड मे हैव फादर चाइल्ड, देयर इज अ सम रिसर्च इज शोइंग दैट द टेंपरेचर ऑफ द टेस्टिस विद द वेरिकोसिल इज हायर, जैसे अनडिसेंडेड टेस्टिस में वो प्रेशर टेम्परेचर राइज रहता है, वैसे स्पॉटम में क्या रहता है कि 21 सेल्सियस टेम्परेचर कम रहता है, लेकिन वेरिकोसिल में भी ऐसा ही है कि वहाँ स्वेलिंग होने की वजह से वहाँ टेम्परेचर बढ़ता है, इसकी वजह से वो स्पर्म बराबर प्रोड्यूस नहीं होते। और लास्टली वेरिकोसिल डिक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई टू टेस्टिस। अ वेरिकोसिल इज अ वेरिकोस वेन इन द कॉर्ड दैट connects to the testis. A varicose vein is one that is abnormal enlarged and twisted. USG में आपको ये देखने को मिलेगा varicosis. Atrophy of testis. Testicular atrophy. उसमें क्या है कि develop ही नहीं हुआ है.
उसकी साइज जो बर्निंग होती है लेकिन वह स्टॉक हो गया, ठीक है, डिमिनिश साइज एंड मे बी accompanied by the loss of function, size ही नहीं, structure ही normal नहीं है तो function नहीं आएगा. Cryptogenic undescended testis, the testis develop inside the abdomen in the male fetus and the move down descend into the scrotum before or just after birth. Undescended testis is a condition when one or both of the testis have not descended into the scrotum at birth but stay in the abdominal only, move part away down into the scrotum. और सेल्सियस उधर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा उसकी वजह से स्पर्म नहीं आएंगे, ठीक है. तो रूब्रिक ये आप ले सकते हैं, रिट्रैक्शन ऑफ टेस्टिस, ठीक है. दूसरा रिट्रैक्शन ऑफ टेस्टिस नॉट डिसेंडेड इन चिल्ड्रन लाइकोपोडियम. टेस्टिस रिट्रैक्शन एक्सटर्नल रिंग टू, वो जैसे वो रिंग जो नॉर्मली आती है वो रिंग में ही फंस गया है. सिंगल मेडिसिन सिक्यूटा एक पेशेंट को दी है, रिजल्ट काफी है. और दूसरा जो डेवलप होने था एट्रोफी और टेस्टिस में, ठीक है, तो डेवलपमेंट ही स्टॉप हो गया, डेवलपमेंट अरेस्टेड जनरल, ठीक है. एट्रोफी शिवल टेस्टिस, एट्रोफी शिवल टेस्टिस आफ्टर सेक्सुअल एक्सेस. Atrophy severe testis from masturbation. ज़्यादा masturbation normal थी लेकिन atrophy हो गई. Nephritis. Male organ testis atrophy. काली आयोड gland है तो कहीं ना कहीं सब आयोड organ और हम confusion identity sometimes. Testicular cancer. Testicular cancer is a cancer that develop in the testis a part of the male reproductive system. Symptom may include a lump in the testis or swelling or pain in the scrotum. उसकी वजह से infertility होता है. This is show image Wikipedia. General आप रूबिक ले सकते हैं. Cancer testis, cancer testis serous spongia मैं अभी बोला. Cancer genital cancer testis. Case of male infertility due to congenital bilateral absence of vas deferens with azoospermia. ये केस मैंने पहले बोला है लेकिन ये इसके रिजल्ट बाकी थे उस वक्त वो शो करना है. Infinite benefit for suffering humanity. Endless, ठीक है. Reports. True prostate. Bharat Bhai 33 year. Absent right seminal vesicle and bilateral vas deferens. Vas deferens है ही नहीं, ठीक है. और seminal vesicle एक side right side नहीं है. ये उसके report है. उसमें भी absent, इसमें भी absent. तो क्या होता है कि जैसे ये case आपके पास आता है तो पहले से मन में अंदर से क्या रहता है कि अंदर structure ही नहीं है, ठीक है. तो क्या करेंगे, अंदर से आएगा कि नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी होता है. इम्पॉसिबल है ना ये तो, ठीक है. ये जब केस आया मेरे पास तब हम एसीबीएस में सर के पास होके आए थे. तब सर का एक केस था पेंक्रियाटिक ट्यूमर वाला. उसमें बच्चे को पेंक्रियाटोमी कर दी और उसको इंसुलिन डिपेंडेंट हो गया था. बाद में सर ने उसको डेड डिजायर, क्योंकि उसकी वजह से शुगर बढ़ गया, उसके लिए डेड डिजायर और डेवलपमेंट और अरेस्टेड नहीं पेंक्रियाज एलमेंट ऑफ लिया था. ये दो रूब्रिक लेके उसको एंटिक्स प्ले हुआ था. वो ऐसा चाइल्ड था, इसकी वजह से उसको बेलाडोना 200 दिया था. वो 8 महीने के बाद उसका पेंक्रियाज नॉर्मल ग्रो हुआ और नॉर्मल फंक्शनिंग हुआ, ठीक है. तो वो सोचा कि सर ऐसा कर सकती है. सर ने बोला कि दिस इज नॉट माई मोनोपोली. तो ये सोच के अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि 99.9% तो ये नहीं होगा लेकिन 0.1% ये हो सकता है. ऐसा मैंने पेशेंट को बोल के केस शुरू किया था. This is vas deferens. ये testis है, ये vas deferens है. यहाँ में sperm production हुई. इधर से ये जो mark, ये जो track है, ठीक है, ये ही नहीं है. दोनों side नहीं है, ठीक है. तो sperm कहाँ से आएगा? This is impossible. उसके report है,
2018 में एजोस्पर्मिया नो स्पर्म काउंट नहीं आएंगे ना, स्ट्रक्चर नहीं है तो नो स्पर्म काउंट। ठीक है, डायग्नोसिस 10 साल उसका मेरे लाइफ को 10 साल हुए थे। ठीक है, सब डॉक्टर को बता दिया था, अपने पास आते तो सब रिपोर्ट्स आते ही, अपने को कुछ कराना ही नहीं है। ठीक है, और डायग्नोसिस में प्राइमरी इनफर्टिलिटी, मैरिज तब 2018 में 7 ईयर, रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्मॉल क्वांटिटी सीमेन वॉल्यूम, देखो 1 ml आ रहा है, इसमें भी 1 ml आ रहा है। एजोस्पर्मिया टेस्टिस एपिडर्मिस एब्सेंट ऑफ डायग्नोसिस कंजेनिटल बायलैटरल एब्सेंट MS। यूएसजी करवाया था, टेस्टिस है, दोनों है टेस्टिस, लेकिन लास्ट डिफरेंस नहीं है। तो एपोरिज्म 3, व्हाट इज टू बी क्योर इन डिजीज एंड व्हाट इज नॉलेज ऑफ क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन, क्या है इसमें, क्या हुआ, क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज ऑफ डिजीज, क्यों ऐसा हुआ है, ये क्यों है, क्यों डेवलप नहीं हुआ है इसमें। तो फर्स्ट नॉलेज ऑफ डिजीज, कंजेनिटल बायलैटरल एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस, विकिपीडिया में दिस इज अ कंजेनिटल समटाइम यूनिलैटरल और बायलैटरल, और क्या होता है कि दिस इज अ कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ बोथ वास डिफरेंस बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन CFTR जीन्स। ठीक है, इन क्रोमोसोम 7, ठीक है, ये क्रोमोसोम 7 जो है उसमें CFTR प्रोटीन आता है, वो म्यूटेशन हो गया। ठीक है, उसकी वजह से वास डिफरेंस नहीं बनी है। तो क्या करेंगे हम, अप्रोच ठीक है, मदर स्टेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज म्यूटेशन उधर से हुआ है। ठीक है, सर सेज 1 to 4 मंथ स्ट्रक्चर डेवलप, देन 6 to 9 मंथ फिजियोलॉजी डेवलप, तो यहाँ स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम, वी आर फाइंड आउट हिस्ट्री इन मदर फर्स्ट 4 मंथ। तो मदर स्टेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री पूछा, तो उसको फर्स्ट प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल बच्चा था जितेंद्र भाई, सेकेंड प्रेगनेंसी में उसको 5 मंथ में एबॉर्शन हो गया, थर्ड प्रेगनेंसी में उसके पेशेंट के बड़े भाई है उपरेश भाई, उसको भी सेम ऐसा, उसके सब रिपोर्ट देखे, उसको भी कंजेनिटल बायलैटरल एब्सेंट ऑफ वास डिफरेंस, लेकिन उसको लेफ्ट सेमिनल वेसिकल एब्सेंट थी, ये पेशेंट को राइट थी। तो मैंने पूछा कि अगर ये पहले से ही हो गया है तीसरे बच्चे में, अपने को ये पेशेंट को अच्छा करना है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉज आगे है जो उधर हुआ है, तो उसको थर्ड प्रेगनेंसी में मैंने पूछा कि उस वक्त आपको कोई टेंशन या कोई डर या फिर कुछ भी था, तो मदर से ही कि उसको पहले एक लड़का था, ठीक है, बाद में उसको लड़की चाहिए थी तीसरी प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो वहाँ गांव में क्या है कि उसको सेकंड प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो गया, तो उसको एक डर लगता था कि इस बार भी मिसकैरेज नहीं हो जाए, और उसको चाहिए था फीमेल चाइल्ड, लेकिन अगर लड़का आ गया तो ये कॉन्स्टेंटली ये डर लगता था कि लड़का आएगा कि लड़की आएगी, इधर मिसकैरेज नहीं हो जाएगा ना। ठीक है, चलो अपने को वो पेशेंट को ठीक नहीं कर लेगा, लेकिन अपने को तो ये पेशेंट की वजह, जब ये पेट में था तब क्या था आपको मेंटल स्टेट क्या था। तो मदर ने बोला कि अभी तो 2 बच्चे हो गए, अब तो मेरे को लड़की ही चाहिए थी। ठीक है, लास्ट प्रेगनेंसी थी उसमें तो लड़की ही चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ कि उधर वो गाँव में थी, तो वहाँ जो होती है ना ओल्ड वुमन, वो बोलती है जैसे पेट देख के ये आपको तो लड़का है, वो तीसरे महीने में बोली ऐसा उसके रिलेटिव। तो माँ को फिर से वो टेंशन होने लगी कि अभी वो लड़का होगा कि लड़की होगी, मेरे के तो 2 बच्चे हैं, अभी तो मेरे को लड़की ही चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज अ सिचुएशन इन मदर स्टेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पेशेंट का डिस्पोजिशन, नाम भरत भाई 33 ईयर, ऑक्यूपेशन एक्सिस बैंक अकाउंट जॉब, मैरिज लाइफ 10 ईयर, ठीक है, चाइल्डहुड 3 ब्रदर एंड ही वाज अ यंगेस्ट इन फैमिली, पहले उसके 3 भाई थे, नॉन डिलीजन एंड नॉन कंसेंट, उसको एमकॉम फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, देन लीव बिकॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, उसको पैसे में बहुत इंटरेस्ट था, ही स्टार्टेड जॉब
टू योर कंटिन्यू जॉब देन लीव जॉब. उसको ऐसा लगता था कि मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, मैं कहीं मैं पीछे आ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ उसकी फर्स्ट टाइम जो जॉब शुरू की वहाँ 5,000 सैलरी थी. इस वजह से वो सूरत से अहमदाबाद चले गए, वहाँ जॉब स्टार्ट की. लेकिन उधर भी ऐसा लगा कि इधर भी 15,000 कम मिल रहा है, ठीक है, तो ही वांट्स मोर मनी, ठीक है. उसकी वजह से उन्हें 3-4 जॉब चेंज की. बाद में वो इधर सूरत में एक बैंक में मैनेजर की जॉब कर रहे हैं. फियर ऑफ डार्कनेस एनिमल और हाइट वांट्स, उसको हर बार ऐसा लगता है कि मेरे को मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरे को कोई ना कोई चाहिए, ठीक है, सपोर्ट में चाहिए, मनी चाहिए, ये उसकी नीड. Hot, thirstless, very strong, intellect good, memory good, speed fast, moral, dead, sora, money, esteem, support or appreciation. Aphorism 16, most severe disease may be produced by sufficient disturbance of vital force through the imagination and also cured by the same means. कुछ भी बड़ा disease है, imagination. False perception, उसकी वजह से होता है. ये genetic mutation, ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसके लिए strong emotion होगा. सर बोलते हैं हर बार कि कोई भी ऐसे जैसे कि टेबल वो तोड़ना हो तो ऐसे नहीं टूटेगा, उसको जोर से का फोर्स लगेगा, इधर वो स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा, इधर एंगर, इधर फियर, फ्राइट, ठीक है, वो ग्रीफ ऐसा कुछ नहीं कर देगा. What is a false perception or imagination? Passing mother. कि उसकी वजह से ये म्यूटेशन हुआ और इसका ये ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है. तो रूब्रिक्स सबको मालूम है, अभी जिसको मालूम है वो नहीं बताएगा. हाँ, ये अभी आपको कहीं ना कहीं डिल्यूजन निकालना पड़ेगा, फॉल्स परसेप्शन, म्यूटेशन हुआ है, ठीक है. स्ट्रॉन्ग इमोशन होना चाहिए. वो जो मदर स्टेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थी उसमें से क्या रूब्रिक है सिचुएशन की, डर कांस्टेंट लगता था ना, कांस्टेंटली एक ही डर लगता था कि क्या होगा, क्या होगा, लड़का होगा या फिर लड़की होगी या फिर मिसकैरेज नहीं हो जाएगा ना. परफेक्ट. इल्यूजन, मिसफॉर्चून, इनकंसोलेबल होगा मींस इल्यूजन. उसको ऐसा लगता था कि लड़का होगा कि लड़की होगी, ठीक है, उसको तो लड़की चाहिए, लेकिन ऐसा होगा लड़का होगा या फिर लड़की होगी, लड़का होगा या फिर लड़की होगी, आइदर मिसकैरेज नहीं हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि पहले हो चुका है, ठीक है. कॉन्स्टेंटली यही चल रहा था, यही चल रहा था, ठीक है. और इनकंसोलेबल और किसी हस्बैंड बोल रहे थे उस वक्त कि ऐसा नहीं होता है, कि होगा जो होगा देखा जाएगा, नहीं ऐसा हो गया तो ऐसा ही होगा, तो वो कॉन्स्टेंटली वही चल रहा था. दिस इज वाई इनकंसोलेबल. मेडिसिन, एल्यूमिना, कैल्केरिया सल, वेराट्रामल, और एस्टीम, मनी और सपोर्ट, ठीक है. एल्यूमिना रूल आउट कंफ्यूजन, आइडेंटिटी होता है, विल वीक होता है, इसका स्ट्रॉन्ग विल है, कहते वो इसको जॉब जो करनी है वो करते है. नहीं, वेराट्रामल और कैल्केरिया सल, वेराट्रामल में शो ऑफ पोजीशन, ठीक है, वो करना जरूरी है. हॉटिनेस, ठीक है, एस्टीम दोनों है. थैंक यू. कैल्केरिया सॉल 200 सिंगल डोज 22/7 19 में दीजिए. फर्स्ट डोज एक डोज दिया था उस वक्त, फॉलो अप में 7-8 महीने के बाद, तब तक मैं उसे एसएलई दे रहा था, ठीक है. 7-8 महीने मैंने उसको बोला था कि अंदाजित इतना समय तो लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर डेवलप करना है आपको, ठीक है. आपने मेडिसिन देखी है, उसको वेट करना है, इसमें आपको कुछ वो फिजियोलॉजी नहीं है कि वो म्यूटेशन हुआ है उसको करेक्ट करना है, ठीक है. तो बाद में उसकी वाइफ की फोन आया कि प्रेगनेंसी रहेगी, तब डाउट होता है कि ऐसा कैसे, ठीक है. यही रहेगा ना कि इम्पॉसिबल है, कैसे होगा, प्रेगनेंसी कैसे रहेगा. मैंने बोला हस्बैंड को आप रिपोर्ट करवाइए. उसने 13 मार्च को 2020 में रिपोर्ट करवाया, उसका स्पर्म काउंट 0 आ रहा था, वो 2.8 मिलियन हो गया, ठीक है. बाद में उसका अभी भी स्पर्म वॉल्यूम 1 ml है, कम नहीं आ रहा है, लेकिन एक तो एक स्पर्म से भी हो सकता है जो स्ट्रक्चर ही नहीं है, ठीक है ना. तो उसकी फाइल उसकी वाइफ की, उसने भी लिखा प्राइमरी इनफर्टिलिटी कंसीव्ड विद होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है.
ओके हेलो वेरी डॉक्टर ने भी बेटा जो हो ही नहीं सकता नॉर्मली हेल्दी चाइल्ड आ गया उसके बाद में मैंने रिपोर्ट करवाया यूएसजी करवाया कि आया कहां से इसको ठीक है तो उसमें दिखा आपको कि डक्टस डिफरेंस आल्सो कॉल्ड वास डिफरेंस इज विजुलाइज ठीक है बाद में उसको वेरिकोसिस वो सब आया माइंड ग्रेड में वो साइकोसिस है ठीक है स्ट्रक्चर ही नहीं था सिफिलिस में से साइकोसिस आया ठीक है और विजुलाइज हुए वास डिफरेंस दिस इज अ बियॉन्ड लिमिट्स सर से इज ऑल्सो If you like this problem. તંદુરસ્તી आपको लड़ने का है 99% चांस नहीं है इसमें लेकिन 0.1% चांस सर ठीक है उसमें भी ये हो सकता है थैंक यू वेरी मच मोबाइल के टेस्ट कैंसिल हो गया इसका मन नहीं कर रहा प्रतीक आओ होप यू ऑल एंजॉयड द लेक्चर Pratik showed us some insight for the male infertility and the last case which he presented was just beyond the limits. Because such things if happen, nobody, no other science in this world can do this. So, hats off to you Pratik. He has just experience of 2 years in his practice and he is showing this marvelous results. So, upcoming homeopaths and all, even senior homeopaths, we have to learn from such experiences as to what Pratik has done. And this is all because of sir, our guru, Vijayakar sir. So, Jai Predictive, Jai Homeopathy. Thank you.